हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सभी दलों के नेता कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर के, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा है, नेता और कार्यकर्ताओं से ज्यादा सक्रियता आप लोगों की मैंने देखी है। उस सबसे जो संकेत मिल रहे हैं, हम पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि बड़ौदा की जनता इस बार निश्चित तौर पर वह पिछले आम चुनाव में हुई अपनी भूल को सुधार करके और बड़ौदा में कमल खिलाने वाली है। यूं तो हमें इस बात का निश्चित तौर पर अफसोस है कि 2019 में भी जिस प्रकार से श्रीमान कृष्ण हुड्डा जी विधायक बने, आज वो दुनिया में नहीं रहे। हम अपनी तरफ से उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और विधानसभा में भी उनके साथ में बैठने का मौका मिला, उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव पहले भी था और हमेशा रहेगा। लेकिन वक्त का तकाजा ये रहता है कि आज जो सुशासन और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र और राज्य में पिछले 6 वर्षों में जो पूरे देश भर में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये भी चाहते थे कि बड़ौदा भी उस बहती गंगा में हाथ धोते। स्वाभाविक है, एक फर्क पड़ता है, पक्ष और विपक्ष का एक स्वाभाविक एक फर्क पड़ता है। और बड़ौदा तो पहले ही भुक्त भोगी है, 10 साल बगल में सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, गुहांडी गांव में बगल के हलके में सरकार का प्रभाव असर हर चीज के अंदर दिखाई देता था। लेकिन दिया तले अंधेरा था और बड़ौदा विकास से वंचित था। आज समय आ गया है कि बड़ौदा में वो विकास की गाथा को लिखने का, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष चली और अब 1 वर्ष गठबंधन की सरकार चली है, श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ौदा की जनता एक नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। और हमारे बहुत ही होनहार उम्मीदवार, देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के सामने फहराने का कारनामा करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव और क्षेत्र का नाम ऊंचा करने वाले भाई योगेश्वर दत्त जी, वो निश्चित तौर पर बड़ौदा के प्रतिनिधि बन करके हरियाणा की विधानसभा में, जहां मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और उस संख्या बल में, बहुमत में बढ़ोतरी करने का काम करेगा। वहीं बड़ौदा में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से पहले ही कुछ घोषणाएं की है, आप उनको लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, लोग उसको सराह भी रहे हैं। अभी तक हैरानी की बात है कि 3 लाख के करीब या उससे भी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, और 3 लाख में हर वर्ष अगर लगभग 6,000 बालक बालिकाएं स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हों, और 6,000 बच्चे औसतन 2% मान करके चलते हैं, तो
तो 6000 बच्चों के पढ़ने पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक भी कोई स्थान ना हो, ये वास्तव में आज के इस युग में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। और वो भी तब जब 10 वर्ष सरकार के चौधर के नारे के आधार पर क्षेत्र को बरगलाया गया हो, बहकाया गया हो, तो आज उस कमी को पूरा करने का वक्त आया है। जो हमारा बहुत ही पुराना इस क्षेत्र का एक बड़ा ही सर्वमान्य संस्थान जनता बुटाना जो संस्थान रहा है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय के स्वरूप प्रदान करने का संकल्प किया है। वैसे में मैं मानता हूं कि शिक्षा सबसे बड़ा विकास का आधार होता है।